अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। कश्माला से भी तेज भागना आ गया तुम्हें, है? मैंने तुम्हें पिंजरे से बाहर इसलिए निकाला था कि तुम मुझे भगा भगा के थका दो। अभी मैं तुम्हें वापसी दरबे में बंद करती हूँ, फिर ही ठीक रहेगा। वो देखो तुम्हारे बहन भाई कितने आराम से दाना खा रहे हैं, और तुमने तो भगा भगा के मुझे थका ही दिया और खुद भी थक गए हो। जरा दिखाओ तो अपना जख्म ठीक हुआ कि नहीं, ये दोबारा मलम लगानी है इस पे। अरे वाह, ये तो बिल्कुल ठीक हो गया है। चलो जाओ, अब तुम अपने बहन भाइयों के साथ जाकर खेलो, ठीक है? जाओ। कशो, ए कशो, आती हूँ। तुम लोगों ने ना आपस में लड़ना नहीं है, ठीक है? बस मैं आ रही हूँ। शहजादी, सो गई है क्या? नहीं, सिर का दर्द खत्म करने की कोशिश। ये दवा इकसान है, दुकानदार ने बोले 2 सुबह खानी है, 2 अभी खानी है, और सर डॉक्टर मी को दिखाना। शब से समीरी हालत के बारे में बताए? हाँ हाँ, बताया था, तभी तो उसने बोला कल डॉक्टर जी को दिखाना। ऐसी हालत में दवाई खुद नहीं खाते, बच्चे की सेहत को नुकसान भी हो सकता है। जी मतलाते हैं फिर। उठा ले जी, भर के अपने उठा ले नखरे, हक है तेरा। कशोर, चाय कैसी बनाई? शानदार। अरे मेरी कशोर है ही शानदार। स्कूल के दाखिले का क्या करना है? इस कारी स्कूल में बात तो की है, शनाख्ती कार्ड की बस कॉपी जमा करवानी है। किताबें कापियां? तो फिक्र क्यों करती है, अल्लाह सही बहुत बड़ा बादशाह है। सर नाम सोचा है कोई? हाँ वो तो नहीं सोचा, अब अभी तो बहुत देर है, जब होगा तो कोई अच्छा सा नाम रख लेंगे। इस बार भी बेटी हुई तो अल्लाह साईं की रहमत की बारिश तेज हो जाएगी। चल तू आराम कर।
जिंदगी गुजार दे। अच्छा पानी दूं? किसी ने कुछ कहा है? अपने बाबा को बता बेटा, क्या हुआ है? मैंने चूहे को पिल्ला में खा लिया। ये तो गजब हो गया ने। तो अच्छा नहीं हुआ, चूजे ने बिल्ला खा लिया। बिल्ले ने चूजे को खा लिया? हाँ बेटा, अभी बिल्ले को चौराहे पे लटकाता हूँ और उसकी हिम्मत कैसी हुई चूजे की बिल्ला खाने की? चूजा बात सुन, टिक्का बना के खाया कि शोरबा? आप दोनों मजाक उड़ा रहे हैं। नहीं, हम हंस कर रहे हैं। आज उसकी शादी थी, मैंने अपने हाथों से उसके दुल्हन के लिए सितारों वाले दुपट्टे भी बनाए थे। अच्छा अच्छा, तो बस ठीक है, हम इतने ही चूजा ले आते। नहीं, मुझे कबूतर चाहिए। और मेरा तो चूजे का था। नहीं तो अम्मा, कबूतर उड़ तो सकता है ना, जब बिल्ला उस पे हमला करने आएगा तो कबूतर अपने आप को बचा लेगा उड़ के। बस तो फिर फैसला हो गया, अब मैं बिल्ला खरीद के लाऊंगा। जब बिल्ला हमारे कबूतर को खाने आएगा तो वो चूजा बन जाएगा। नेमत भाई, ले आए कबूतर। बेटी की हर फरमाइश पूरी करता है तू। हाँ सही, उसकी आंखों में आंसू देखे नहीं जाते। नेमत भाई, पराया धन है, इस पर इतना खर्चा मत कर। अरे उसके लाड, उसका बाप नहीं उठाएगा तो फिर कौन उठाएगा? उसे घर में कौन उसकी ख्वाहिशें पूरी करेगा? हाँ यार, कहता तो ठीक है, चल मजे कर। हाँ, इस बेजुबान को नाना पानी भी दे। अच्छा नेमत भाई सुन, ये किस नस्ल का कबूतर है? मैं कबूतर तो अच्छी नस्ल का है, ये पर आंख इसकी काली।
तुम लोगों को भी ना इसी तरह उठा के फेंक दूंगा, पता भी नहीं चलेगा। समझ आई? नेमत को बोल ना, बड़ा साईं ने याद किया है। बोल बोल दूंगी। उनसे कहना अभी तक तो मैंने हल्का हाथ रखा है, आगे चल कर ना बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। चाचा ने मत वडेरा के आदमी हो, तेरे घर पे हमला कर दिया है। बस वो लोग बिल्कुल भी अच्छे लोग नहीं है। अब सब ठीक हो गया, हो जाएगा बच्चे, आ गया हूँ ना मैं, तू ठीक है? बंसा ने इन पर कुछ चोकने की बात की, बाबा उन लोगों ने मेरा पिंजरा भी तोड़ दिया। सभी देख लूंगा इन सब को। नेमत भाई तुम फिक्र ही नहीं करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी घरवाली को कुछ नहीं होने देंगे। बोला साहिब के बाद तुम लोगों का ही सहारा है। हाय मैं जब बोला हाय मुझे तो जैसे पता चला मैं सर पैर पर रख के बहुत ओड़ी चली आई मेरी बहन। ठीक है ना, मैं आ गई हूँ ना, आ गई हूँ मैं, परेशान ना हो तू। अरे घर की क्या हालत करके गए, इतना डरा के गए मेरे बच्चे को। बात करता हूँ बटेरे साई से, अरे सारा कर्ज तो चुका दिया पर उसका सूद ही खत्म नहीं होता। हमें तो लगा था कि थाने के बाद साई हमारी मदद करेगा, पर उसे तो बीच के भी उतने पैसे नहीं दिए जितनी फसल पका के दे चुका है उसने। वो बाबा वो लोग फिर से आएंगे और सबको मारेंगे, मुझे भी उनके हाथ तोड़ दूंगा मैं। तेरे बाबा के होते हुए कोई तो जंगली भी नहीं लगा सकता, रानू को तरस ही नहीं आया। चल चलो उठा बच्ची को, चल उठ। अजब नेमत, मुझे उनके इरादे अच्छे नहीं लग रहे। मैं तो कहती हूँ उनके खिलाफ पर्चा कटवा दो। चाची क्यों खड़ी फसल को आग लगवाना चाह रही है? वडेरा साईं किसी का भी सगा नहीं है। उसने मेरे घर का
ऐसा हाल क्यों किया? मैं तो हर फसल में उसको उसका हिस्सा भी देता हूँ। अरे उसका पेट नहीं कुआं है, कुआं जो कभी नहीं भरता। पर इस मुसीबत को सर से हटाने का कोई तो हल होगा ना। मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा, मैं 10 लाख कहां से लाऊं? देखो बाबा, हमने तुम्हारी वक्त पर मदद की, तुम्हारी जमीनों को कहीं सीम खा न जाए हमने उसमें बीज डाला, पानी डाला, खर्चा हुआ है मेरा। सही, सारा कर्ज तो उतार दिया मैंने, बस सूद बाकी है, अगर वो माफ कर दे तो। माफ कर दूं? देखो बाबा, मैं इंसान हूं, और गलती तो इंसानों से ही होती है। मैंने भी गलती की, अब मैं भुगतूं या तुम? बात तो एक ही है ना। साईं बना, आप हमारे माई बाप हो, थोड़ी सी मोहलत मिल जाए। चलो दे दी मोहलत, इसका कर्जा तू उतारेगा। कितनी बकरियां हैं इनके पास? नहीं, पूरे 15 जानवर हैं इसके पास, जिसमें 10 बकरे और 5 बकरियां हैं, जिसमें से एक बकरी ने रात 2 बच्चे भी दिए हैं। सही, बकरी का दूध तो सारा बच्चा पी जाएगा, फिर तुम बाजार में क्या बेचोगे? सही, उसे मैं अलग ही रखूंगा। सही, तो फिर ठीक है, तुम बकरी डेरे पर भेज दो। साईं, मेरे खेत की सजा इस गरीब को तो मत दे। तो फिर ठीक है, तू अपनी बकरी बेच दे, पर ये बता पैसे कब देगा? सही, अगर थोड़ी सी मोहलत और मिल जाए तो। 3 साल से यही तो कहते आ रहे हो कि थोड़ा वक्त और, थोड़ा वक्त और, बहुत वक्त दे दिया। 10 लाख रहते हैं मेरे तुम्हारे पास, बताओ कब दोगे? तुम्हारे पास तो कुछ भी इतना कीमती नहीं। कीमती चीज, ठीक है, वक्त आने पर वो भी देख लेंगे।
कृष्ण सो गए क्या? हाँ, बड़ी मुश्किल से सोई। अबिन, पिंजरा ठीक कर दी। सुबह जा जगीन तो सारी बातें भूल जाए। पता करे ऐसे ही है तो बड़ा परेशान हो गया। अगर तुझे कुछ हो जाता तो? जब वो आए थे ना तो कृष्ण डर के भागे, मेरे गले लग गए। यहाँ जमीन पर बैठ कर कन्ना ने पूछा रहने में अल्लाह साईं बड़ा बादशाह। मैं गरीब जरूर हूं लेकिन बुजदिल नहीं। मैं तुमसे वादा करता हूं मैं तुझे नुकसान नहीं होने दूंगा। भरोसा है तुझ पर, मैंने बताया नहीं क्या बात हुई तेरी? डेरे से वक्त मांगा है मैंने। वक्त तो हर बार ही देता है और ये जानवरों वाला सुलूक बर्दाश्त नहीं है। तो मैं कुछ सोच रहा हूं लेकिन लेकिन क्या हल चाने के अलावा और मुझे आता क्या? और दूसरा शहर का भी नहीं पता, करना वहां जाकर मजदूरी कर ले। चाय पिलाएंगे? कहानी रख के आनी। मेरी मान तो मकान गिरवी रखवा दे। बात तो वही है, वडेरे से ज्यादा पैसा इस गांव में किसके पास है? पहले ही वडेरे ने आधी जमीन हथिया ली हमारे, खेती बाड़ी किस पे करे? वडेरे को क्या दे, सारा दिन ये हिसाब किताब करते हैं। मुझे क्या पता था मैं परेशानियों का बीज बोकर फिक्रों की फसल काटूंगा। अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाले। कछु का है, उसके बाप ने कबूतर लाके दिया ना, उसी के साथ लगी। मैं देखती हूँ अल्लाह परेशानी खत्म करे, तुम लोग फिक्र ना करो। बहुत शुक्रिया साईदा बहन। शुक्रिया की क्या बात है, तेरी खाला की बेटी, पहला हक तो मेरा ही बनता है। पड़ोसी हूँ, रिश्तेदारी भी है, हम ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा भला? ठीक कहती है, अब मैं चलती हूँ। आज मुझे बहन बोल रहा है, भूल गया कि मंग थी मैं इसकी। अरे
अच्छा तो पढ़ लिख कर क्या बनेगी? डॉक्टर बनेगी? मैंने ना मम्मा को बोल दिया है, मुझे कशो कशो ना बोला करें, बड़ी हो गई हूँ अब मैं। अच्छा कितनी बड़ी हो गई है मेरी बेटी? इतनी बड़ी हो गई हूँ मैं। अच्छा यानी कि तू मेरे बराबर हो गई है? नहीं अब्बा, आपसे तो थोड़ी सी छोटी हूँ। अच्छा तो बड़ी हो गई है तू। अच्छा वो जो तेरी गुड़िया है तेरे पास, मैंने तेरे लिए उससे भी बढ़िया गुड़िया लेकर आऊंगा। फिर हम तेरी गुड़िया की ना शादी करेंगे और तुम अपनी सारी गोट की दोस्तों को बुलाना। या वो। हाँ कब देगा पैसे? अरे बाबा कोशिश तो कर रहा हूँ, चल जल्दी दे दूंगा। अरे नेमत, जो कीमती चीज है ना वो साईं को दे दे, तेरे सारे पैसे माफ हो जाएंगे। मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है। तेरे पास जो चीज है ना वो तुम्हें खुद भी पता नहीं है, घर जाके आराम से सोचें। कि तेरे पास कौन सा हीरा है? हीरा? सोचना सोचना सोचना। पक्का पता है कागजात दे के 5 लाख मिल जाएंगे? बात तो यही हुई है। अरे एक के बाद एक कर्जा कैसे उतारेंगे? ये बगैर सूद के कर्ज है। और चना मिला तो? सर से घर की छत भी चली जाएगी। तेरे पास जो चीज है ना वो तुम्हें खुद भी पता नहीं, घर जाके आराम से सोच लो। कि तेरे पास कौन सा हीरा है? मैंने जो आज उनकी आंखों में देखा ही, मैं तुझे नहीं बता सकता।